तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जियो के न्यू प्लान्स के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जो रिचार्ज आप 155 रुपये में कर पाते थे और 2 GB आपको 28 दिन के लिए मिलता था, वही रिचार्ज आप यहाँ पर न्यू प्लान में रेट देख सकते हैं 189 रुपये का हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो 209 रुपये का 1 GB प्रतिदिन 28 दिन के लिए रिचार्ज हमें मिल जाता था, वही रिचार्ज यहाँ पर बढ़कर 249 रुपये हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पर और भी रिचार्ज प्लान्स देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे नीचे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पर सारे के सारे जियो के रिचार्ज प्लान्स देख सकते हैं। डेटा हम लोग 15 रुपये में 1 GB का डेटा पैक जो हमें मिल जाता था 1 दिन के लिए, यहाँ पर देखिए वही जो है 19 रुपये का हो चुका है। और 25 रुपये में जहाँ पर हमें 2 GB डेटा प्लान पहले मिल जाता था, 29 रुपये का हो चुका है। तो इस प्रकार से कुछ जो है आपके रिचार्ज प्लान जो है बढ़ा दिए गए हैं। इस चीज़ को मैं आपको लाइव अभी आगे वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। चलिए अब मैं आपको एयरटेल और VI के भी रिचार्ज प्लान से जो है परिचित कर, आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर हमें 28 दिन के लिए मात्र 179 रुपये में जो है अनलिमिटेड कॉल और 2 GB का डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता था, वो आप रिचार्ज यहाँ पर 20 रुपये महंगा कर दिया गया है। यानी कि ये रिचार्ज अब हमें 199 रुपये का पड़ने वाला है। और इसी प्रकार आप एयरटेल के न्यू प्लान्स की जो लिस्ट है कुछ इस प्रकार से हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको इस बढ़ोतरी में आपकी क्या राय है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्क्रीन पर अब आप जो है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया का जो नया प्लान लॉन्च हुआ है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग प्लान के साथ जो 179 रुपये का रिचार्ज 28 दिन के लिए होता था, वही रिचार्ज यहाँ पर 199 रुपये का कर दिया गया है। दोस्तों बात करें तो एयरटेल और VI के जो रिचार्ज हैं दोनों के जो प्लान है वो लगभग आपको यहाँ पर सेम देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं स्क्रीन में आपको नीचे करके दिखा देता हूँ, आप सारे के सारे प्लान यहाँ पर देख सकते हैं। और जो डेटा आपको 19 रुपये में 1 GB मिल जाता था वो अब बढ़कर जो है यहाँ पर 22 रुपये हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से जो है इन तीन कंपनियों ने यानी कि जियो, एयरटेल और VI ने अपने प्लान्स को बढ़ाकर कुछ नए रेट्स जो आपको मैंने वीडियो में बताया इस तरह कर दिया है। अब चलिए मैं आप आगे आपको वीडियो में इस रिचार्ज प्लान को करके भी दिखाता हूँ कि जो 3 जुलाई से जो रिचार्ज की बढ़ोतरी होनी थी, जो रेट में बढ़ोतरी होनी थी, वो हो गई है या नहीं, बढ़कर रिचार्ज होना शुरू हो चुके हैं या नहीं। तो चलिए मैं वीडियो में आपको लाइव करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एक जियो का मोबाइल नंबर सबसे पहले टाइप करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ऑपरेटर फाइंड हो गया, जियो का है। मैं ब्राउज प्लान पर क्लिक करके आपको सबसे पहले लाइव यहाँ पर प्लान्स दिखा रहा हूँ कि प्लान्स लाइव हो चुके हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 149 रुपये में 14 दिन के लिए अब हो गया है, जहाँ 20 दिन के लिए था। एक जो है रिचार्ज 209 रुपये वाला जो है 22 दिन के लिए हो गया, जो कि ये पहले 28 दिन के लिए था, 1 GB रोज मिल जाता था। और यहाँ पर इसके बाद मैं आपको VI का प्लान दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर फाइंड हो चुका है वोडाफोन। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको ब्राउज प्लान पर क्लिक कर सेलेक्ट सर्किल पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसके प्लान दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर कॉम्बो पैक पर चलता हूँ। अब यहाँ पर 155 में 24 दिन के लिए हो गया, और यहाँ पर आपको 239 रुपये में जहाँ 28 दिन के लिए मिल जाता था, तो यही आपका अब जो है बढ़कर 269 रुपये हो चुका है। मैं अब आपको एक एयरटेल का नंबर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ब्राउज प्लान पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट सर्किल पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही ये ऑपरेटर हमारा फाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर कॉम्बो पैक में मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं 179 वाला रिचार्ज जो कि 28 दिन के लिए था वो अब जो है यहाँ पर 199 का हो चुका है, और 239 का तो इसमें कोई प्लान है ही नहीं। सो दोस्तों इस प्रकार से कुछ आपके रिचार्ज यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि जो आपके रिचार्ज प्लान है वो टेलीकॉम कंपनियों ने बढ़ा दिया है। यहाँ पर सिर्फ 3 कंपनियों ने जो है एयरटेल, जियो और VI ने जो है रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की है, बाकी जो BSNL है वो अभी तक ज्यों का त्यों है, इसने अभी अपने किसी भी प्लान की बढ़ोतरी नहीं की है। सो दोस्तों आपको इस न्यूज को देखकर कैसा लगा, क्या आप इस चीज से सहमत है, आपके मन का हुआ है या नहीं? यहाँ पर दोस्तों मुझे तो अब जो है यहाँ पर बेटर जो है BSNL लग रहा है। इसके रिचार्ज प्लान मैंने आपको स्क्रीन पर शो करा दिए। इस विषय में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।